स्टैंडर्ड 8 हिंदी व्याकरण परिचय। गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8 चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर फोनोलॉजी मींस वर्ण विचार। फर्स्ट, ध्वनि शब्दों के आधारित है, इसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। ध्वनि का अर्थ है आवाज, सब जानते हो ध्वनि का अर्थ क्या है, आवाज, जो कि ध्वनि मनुष्य हो सकता है या पशु या पक्षी जिससे भी उत्पन्न होती है, जैसे कुत्ता का आवाज हो या बिल्ली की आवाज हो या जो चिड़िया का भी आवाज हो, इसको क्या बोलेंगे, ध्वनि हम बोलेंगे। ध्वनि किसी भाषा की मूल इकाई होती है, ध्वनि किसी भाषा की मूल इकाई होती है। ध्वनियों से शब्द बनते हैं, ध्वनियों से क्या बनते हैं, ध्वनियों से शब्द बनते हैं। भाषा लिखने में ध्वनि को लिपि चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो फर्स्ट हम जानेंगे क्या, वर्ण, जो कि अल्फाबेट्स। ध्वनि का व्यवहार बोलने और सुनने में होता है, जबकि वर्ण या अक्षर का व्यवहार लिखने और पढ़ने में किया जाता है। जब हम कुछ चीज बोलते हैं या कुछ आवाज करते हैं, वो क्या है, ध्वनि है। बट जब लिखेंगे हम वर्ण अक्षर के माध्यम से, जो लिखते हैं कोई कॉपी में पेपर में लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसे क्या बोलेंगे, जो कि वर्ण या अक्षर का व्यवहार करके ही हम उसका प्रयोग करते हैं। मनुष्य, जब मनुष्य ने अ आ से लेके जितना भी वर्ण है, ये सब क्या ध्वनियों का उच्चारण से ही बनता है। तो उस मूल ध्वनि को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। मूल ध्वनि को वर्ण कहेंगे, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। इसका ये एग्जाम आता है कि किसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ना वर्ण का टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता। इस वर्ण को क्या कहते हैं, इस वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, वर्ण को क्या कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। देन नेक्स्ट देखो, ये जितना है ये सब अल्फाबेट्स हैं। ओ से लेके के पूरा लास्ट ड ढ तक हम लोग को है, ये अल्फाबेट टोटल है। टोटल अल्फाबेट्स कितना है हिंदी में, 52 ठो है। हाउ मेनी, 52 ठो टोटल अल्फाबेट्स है। तो ये सब डिवाइड किया गया, इसको क्या कहेंगे, जैसे कि ओ आ से लेके हम री तक, इसको हम क्या कहेंगे, और देखो ओ आ से लेके, इसमें हम दिखाए हैं कि ओ आ से लेके पूरा री तक कितना ठो है, ये 11 ठो है, 11 ठो है, जो कि हम स्वर वर्ण कहते हैं। और ये जो अंग अह है, इसको बोलेंगे अयोगवाह वर्ण। क्या वर्ण, अयोगवाह वर्ण। बाकी जो रहा क से लेके पूरा ढ तक, ये सब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। ये सब क्या है, ना व्यंजन वर्ण का अंतर्गत है। ये अ से लेके री तक ये है स्वर वर्ण, अंग और अह ये ना स्वर वर्ण है ना व्यंजन वर्ण है, ये है अयोगवाह। ये क्या है, अयोगवाह वर्ण। बाकी क से लेके ढ तक जितना वर्ण है, तो वो हो गया व्यंजन वर्ण। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। हिंदी के वर्णमाला में टोटल कितना अक्षर है, 52 ठो अक्षर है। तो वर्ण का भेद पहले हम जानेंगे, वर्ण का कितना भेद है, दो भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण का दो भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, जो कि हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको वावल्स। स्वर वर्ण के 11 अक्षर हैं, ऑलरेडी हम पहले बोल चुके हैं स्वर वर्ण कितना अक्षर है, 11 अक्षर है। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मात्रा लिखने में स्वर वर्ण का प्रयोग किया जाता है, जो भी मात्रा हम लिखते हैं इसके लिए हम स्वर वर्ण का प्रयोग ही करते हैं। तो अ से लेके री तक कितना ठो है, 11 ठो है, ये है स्वर वर्ण का अंतर्गत। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी अवरोध के मुंह से बाहर आती है, उसे स्वर वर्ण कहेंगे।
ये स्वरवर्ण का परिभाषा है। स्वरवर्ण किसे कहेंगे? ना जिन ध्वनियों के उच्चारण एवं हवा बिना किसी अवरोध के मुंह से बाहर आती है उसे स्वरवर्ण कहेंगे। इस स्वरवर्ण का भी वर्गीकरण किया गया है, इसको भी डिवाइड किया गया है। स्वरवर्ण का तीन भागों में विभक्त किए हैं, क्या क्या है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि ओ, ई हुआ, छोटा ऊ हुआ, ए हुआ, ये चार ठो है ह्रस्व स्वर का अंतर्गत। दीर्घ स्वर क्या है? ना जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उसे बोलेंगे दीर्घ स्वर। जैसे कि आ हुआ, छोटा बड़ा ऊ हुआ, ए अयु हुआ, ओ हुआ, ओऊ हुआ या बड़ी हुआ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। देन बाकी रहा एक ठो क्या? प्लुत स्वर, जो कि ये ना ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय और दीर्घ स्वर से थोड़ा कम समय लगता है उसे बोलेंगे हम क्या? प्लुत स्वर। जैसे कि ओम, हम लोग उच्चारण करते हैं ओम, इसको बोलते हैं खंड आकार का चिन्ह, खंड आकार। प्रायतः संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, इसको उच्चारण हम ओ प्रयोग करते हैं, यह है प्लुत स्वर का अंतर्गत। प्रायतः वैदिक रचनाओं में भी इसका प्रयोग दिखा गया है। देन है उच्चारण के समय जीभ के उठने के आधार पर स्वरवर्ण के तीन भागों में विभक्त किए हैं, संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। संवृत क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ ऊपर उठ जाती है उसे बोलेंगे संवृत स्वर। छोटी बड़ी, जो छोटा बड़ा हुआ, यह संवृत स्वर का अंतर्गत है। अब विवृत क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ संवृत की अपेक्षा नीचे रहती है उसे बोलेंगे विवृत कहते हैं। ए हुआ तथा ओ, ये विवृत स्वर का अंतर्गत है। और अर्धविवृत क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ विवृत की अपेक्षा कम नीचे रहती है उसे अर्धविवृत कहते हैं। जैसे कि ऐ, ओ, ओ, आ तथा ओ, ये सब अर्धविवृत का अंतर्गत आता है। देन है अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? ना जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, पहले बोल चुके भी ऑलरेडी है कि ये अयोगवाह अंग और अह, ये क्या है? अयोगवाह, ये दोनों अयोगवाह है। ना ये स्वर वर्ण है, ना ये व्यंजन वर्ण है, ये क्या है? अयोगवाह। यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है अयोगवाह क्या है। ना अनुसार, जितना अनुसार हुआ, अनुनासिक हुआ या विसर्ग हुआ, ये सब अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इतने तीन प्रकार का होते हैं, जो कि अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग। इसका उपयोग स्वर के बाद किया जाता है, इसके ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे कि जो है उदाहरण यहाँ पे दिया है अनुसार का अंतर्गत, अंगद, जंगल, मंगल, दंगल, ये सब होगा अनुसार। देन अनुनासिक में क्या है? इसके उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से कम सांस निकलती है, इसको बोलेंगे हम क्या? अनुनासिक वर्ण। ये चंद्र बिंदु होता है, जैसे कि आंख, गांव, बांस, ये सब क्या है? ये अनुनासिक के वर्ण के अंतर्गत आता है। देन हुआ विसर्ग। किसी वर्ण के अंत में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, विसर्ग। प्रातः हुआ, अतः हुआ, दुख, ये सब क्या? विसर्ग के अंतर्गत आता है। देन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू दिस अगेन, दिस चैप्टर। थैंक यू।